यूपी में एक इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उसके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेरागढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान मनीष जी के साथ। मनीष करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करा करते थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते समय वो जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मनीष जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक चीज चमकती हुई दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहाँ थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। मनीष इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके जहन में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो कोई साधारण सी चीज नहीं थी, बहुत मूल्यवान चीज होगी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि वो दोनों नाग नागिन वहाँ पर हैं। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि वो नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये तो अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चुरा लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मनीष हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास पहुंचकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, तभी चुपके से मनीष ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को भी मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मनी को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु इधर नागिन किसी तरह बच गई और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया तो उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ पाया, तब उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने मनीष से बदला लेने की ठानी, परंतु मनी चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मनीष को जैसे ही मनी मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी सी लग गई, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और मनीष को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मनीष के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मनीष के लिए उसके पास के ही गांव से आ गया और मीरा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति मनीष को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत भी देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर वो नागिन एक पुरुष का रूप धारण कर दिनेश के नाम से मनीष के यहाँ उसका मुंशी बन गई और मनीष का विश्वास जीतने लगी। मनीष भी दिनेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई सम्मान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति मनीष के पास आती है और बताती है कि तुम अब पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन मनीष की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दिनेश के पास गया और बोला कि देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से ही बन गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है।
और इतना कहकर मनीष ने अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाया और गांव के एक कोने में ले जाकर कार रोक दी। वहां एक छोटी सी कुटिया के सामने उसने कार को रोका और बताया कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और मनीष को उसी बूढ़े बाबा ने पाल पोस कर बड़ा किया। मनीष बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या जब वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। मनीष आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तभी अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है जिसके कारण मनीष तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिरने ही वाली थी, परंतु वो एक पेड़ पर अटक जाती है और उसी पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। दिनेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मनीष दिनेश को देख चौंक जाता है क्योंकि दिनेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन मनीष को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो इसी स्थिति में फंसी हुई थी जब मनीष ने उसका पूरा घर संसार उजाड़ दिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का सही मौका है। मनीष घायल था और गाड़ी में फंसा हुआ था। वो रो रोकर नागिन से बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो परंतु मेरी गर्भवती पत्नी को छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मनीष का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मनीष हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस लौटा तब उसे ये एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो नागमणि को लेकर उस विशाल पेड़ के पास गया और उस नागमणि को वहीं रख दिया, फिर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में आकर ऐसी इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि उस गलती को ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।